Hi, good morning, this is Shivam, and today we are doing exercise. Question number 1 from exercise 2.6. And your question number 1 is find the product. ठीक है, इसका product निकालना है, लेकिन इसमें एक आपका whole number है और एक है आपका decimal number. तो whole number के साथ decimal को कैसे multiply करेंगे? करते हैं वो हम यहाँ पे check करेंगे. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे decimal कितने digit आ गया, 1 digit आ गया. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक ही बात बताऊंगा कि आप जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा ना, उसमें आंसर में एक डिजिट लेफ्ट में आपने डेसिमल लगा देना है. एक डिजिट आगे डेसिमल, तो उसमें भी एक डिजिट आगे डेसिमल लगा देना है. आपने मल्टीप्लाई किसको करना है, साइड में लाइन लेनी है, वहां पेंसिल के साथ आप मल्टीप्लाई करना. ठीक है, देखो 6 है, 0.2 से मल्टीप्लाई करना, तो आप ऐसा मत करना कि आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये भी ठीक होगा, ऐसे पूछ रही है 6 2 2 वाला और 6 0 0 और 1 भी डेसिमल होता है, ये भी सही है. लेकिन अब आप बड़ी क्लासेस में पहुंच गए, आप इस टाइम करना है इसको 6 लिखा आपने. ठीक है, यहाँ पे 0.2 है, आपने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 से लिखना होता है 12, क्योंकि 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, हर मल्टीप्लीकेशन में आप ऐसा ही करो. अब आपने यहाँ देखिए डेसिमल कितने डिजिट आगे लगा हुआ है, 1 डिजिट आगे, तो आपने यहाँ पे कर लिया डेसिमल 1 डिजिट आगे लगा दिया. ठीक है, उसका आंसर सीधा कितना आ जाएगा, 1.2 इज योर आंसर. मल्टीप्लीकेशन साइड में होनी चाहिए. सेकेंड पार्ट, सेकंड पार्ट है 8 × 4.6. जो बड़ा नंबर है उसको छोटे एक मतलब डबल डिजिट वाले नंबर को हमेशा सिंगल से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, सिंगल को मत डबल से मल्टीप्लाई करो. तो इसका आ जाएगा 4 6, तो डेसिमल हटा दो, 8 से करो, 8 6 = 48, 8 4 = 32, 32 और 4 = 36, इतना होता 36. तो कितना आ गया ये तो आ गया आपका 368. लेकिन आप डेसिमल चेक करो, एक डिजिट आ गया तो आंसर में भी एक डिजिट आगे डेसिमल लगा दो. ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया. पार्ट नंबर 3, 2.71 × 5, तो करो 2.71. तो पॉइंट लेना है, मैंने कहा पॉइंट भी लाएंगे, अभी यहाँ पे पॉइंट ले लाएंगे. 5 × 5, 5 × 7 = 35, 5 × 10 = 130. यहाँ लिखो आंसर, ये 135 है, यहाँ पे डेसिमल लगाना है. अब तो यहाँ पे कितने डिजिट आगे डेसिमल है, 2, तो आंसर में 2 डिजिट आगे डेसिमल लगा दो, आंसर आ गया. फोर्थ पार्ट, 2.0 × 4, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 201 को मल्टीप्लाई करना 4 से, 4 × 4, 4 × 0, 4 × 2 = 8. लिखो यहाँ पे 804. अब देखो 8 डिजिट आगे डेसिमल, तो यहाँ पे 8 डिजिट आगे डेसिमल लगा दो, आंसर आ गया. मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5. फिफ्थ पार्ट है 2.0 × 5 = 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.
So this is question number 1 from exercise 2.6. Now move to the next question. Question number 2. Question number 2, find the area of a rectangle whose length is 5.7 cm and breadth is 3 cm. A rectangle then. A rectangle hai aapke paas. Question number 2 mein a rectangle hai. So this is your rectangle. जिसकी लेंथ है आपके पास और ब्रेथ है. लेंथ सबसे बड़ी साइड होती है और ब्रेथ चौड़ाई होती है. ठीक है, लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई. तो लेंथ है 5.7 और ब्रेथ है 3. तो लिखो, आपसे एरिया पूछ रहा हूं. ठीक है, लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर. नेक्स्ट लिखो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल,
B is equal to 3 cm. Now area of rectangle area को बोलते हैं length into breadth. तो 5.7 multiply by 3 मतलब 57 को 3 से multiply करो, 37 ये 21, 3 ये side होने से लगभग 35 या 15 और 2 17. तो 8 digit decimal यहाँ पे लगा दिया हमने, 177 8 digit decimal यहाँ लगा दो. और area हमेशा याद आता है रखना centimeter square में आता है, centimeter centimeter square, meter हो तो meter square. This is question number 2. आपके पास area है 17.1 centimeter square. Now move to the next part number 3. And part number 3 आपका फिर से find का है, multiply का है सारे के सारे point. लेकिन इसमें क्या है आपका 10 से है, 100 से है और 100 से है और 1000 से है. देखो मैं आपको यहां पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करवाऊंगा, ठीक है. एक जैसे क्वेश्चन होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10. देखो यहां पे आपको सीधा ही बता दूंगा कैसे करना है, सीधे बता दूं. देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी हम डेसिमल वाली संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं 10 100 ये 1000 मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें सिर्फ 1 हो और आगे को 0 लगे, सिर्फ आगे 1 हो और आगे को 0 लगे, 2 और 3 हो आगे तो नहीं ये रूल अप्लाई होगा, 1 लगा और आगे को 0 लगी होगा. देखो क्या होगा मल्टीप्लाई, आपने करना कुछ नहीं बेटा, आपने ही करना है. अगर देखो इस 1.3 है और इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 0 काउंट करनी है पहले आपने. यहां पे कितने 0 है, 1 कितने 0 यहां पे 10 हाउ मच 0 10 आर देयर, ठीक है. अब क्या मामला होता है इसमें मल्टीप्लाई करने का, देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे संख्या को तो मल्टीगुणा करने की संख्या क्या होती है, बढ़ती है. गुणा करने की संख्या क्या होती है, बढ़ती है. तो ये बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा बढ़ती संख्या में कहां जाता है, राइट हैंड साइड, और घटती संख्या में कहां आता है, लेफ्ट हैंड साइड में आता है, ठीक है. डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड घटाते हैं तो, और मल्टीप्लाई करते हैं तो भाग करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आता है, और गुणा करते हैं तो राइट हैंड साइड जाता है, ठीक है. मल्टीप्लाई करते हैं देखो 1 0 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल कितने डिजिट राइट हो जाएगा, 1. अगर 2 0 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल कितना 0 राइट जाएगा, 2. लेकिन जब आगे उन 0 के 1 लगाओ तभी. देखो 1 0 है तो ये डेसिमल कहां जाएगा, 1 डिजिट आगे, मतलब ये 13 बन जाएगा पूरा. 13.0 लिखने की जगह इसको हम क्या लिखते हैं, सीधा 13. नेक्स्ट है 3.68 मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई. देखो 1 0 से मल्टीप्लाई करता है डेसिमल 1 जी तो आगे आ जाएगा 368 आ जाएगा, होल नंबर पूरा होल नंबर कंप्लीट हो गया. हमें पॉइंट 0 लिखना है, लिख दिया जो तुमने ये पॉइंट ना लिखा हो मैंने, ठीक है. फुल स्टॉप लगाया भाई, फ्रेंड फुल स्टॉप मत लगाओ. तो आप सोचेंगे पॉइंट लगा. नेक्स्ट है 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10, यहां भी सेम 1 जी का डेसिमल चला जाएगा तो इतना बन जाएगा 1537. पार्ट नंबर 168.07 मल्टीप्लाई बाय 10. देखो इधर डेसिमल 1 जगह जाएगा लेकिन वो कहां जाएगा, 7 के ठीक आगे आएगा, तो ये हमें शो करना पड़ेगा क्योंकि 7 हमारे पास वहां का नंबर बचता है, तो इतना आएगा 168.07. नेक्स्ट है अब हम 100 वाला करते हैं, 31.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो अब की बार 2 0 आ गए, डेसिमल कितने प्लेस राइट हो जाएगा, 2 प्लेस राइट हो जाएगा, तो 3110 इज योर आंसर. नेक्स्ट है सिक्स पार्ट है आपका, फिर से 100 का ये 156.1 मल्टीप्लाई बाय 100. देखो आगे सारे के सारे पार्ट 100 वाले समझ एक ही बात है, ठीक है. करने का टू डिजिट आगे करने का इसमें तो कितना आएगा 15610. अब देखो मैं एक ही पार्ट करवाऊंगा आपको, 1000 वाला लास्ट में जो वर्ड वाला पार्ट, बाकी क्वेश्चन सारे सेम है. 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000. अब देखो 1000 तो 3 डिजिट आगे जाएगा राइट पर इसमें, तो 3 डिजिट आगे मतलब ध्यान से देखो, अगर 3 डिजिट आगे जाएगा तो ये 1 2 और 1 और आगे, देखो 1 2 और 1 डिजिट और आगे जाएगा, फिर से चेक कर लो 1 2 और 1 डिजिट और आगे जाएगा, तो कितना बन जाएगा. अब देखो इसको ऐसे लिखने की वजह से यहां पे जाएगा ना डेसिमल यहां पे, तो 1 देखो 1 2 3 एक डिजिट और आया तो कितना बन जाएगा, हो गया 30 बन जाएगा. देखो ऐसे नहीं लिख सकते इसको, अगर यहाँ डेसिमल है तो उसको कितने डिजिट आगे जाना, 3 डिजिट आगे 1 2 3 यहाँ जाएगा तो 30 बन गया, तो ये 2 0 नहीं जाएगा, जरूरत नहीं होती, ठीक है. तो ये आ गया आपका आंसर. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.6. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.